एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ वेज मंचूरियन की रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स की हेल्प से इसे बनाएंगे, ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है। पत्ता गोभी को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और अब इसे ग्रेट कर लेंगे। ये पत्ता गोभी इजीली ग्रेट हो जाती है। आप सारी पत्ता गोभी को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पत्ता गोभी ग्रेट हो चुकी है। थोड़ा सा नमक मिला के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो सारी पत्ता गोभी का पानी बाहर हो जाएगा, फिर हमें मंचूरियन बॉल्स बनाने में आसानी रहेगी। मैं 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख दूंगी। हो चुके हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें निकल चुका है। अब इसे दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से निचोड़ लेंगे और सारा पानी निकाल देंगे ताकि हमारी बॉल्स बहुत अच्छी बने। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो आपकी बॉल्स नहीं बन पाएगी, इसलिए मेरे बताए हुए ट्रिक्स के हेल्प से आप ऐसे ही इसे बनाएं। इसका सारा पानी निकाल देंगे अच्छे से। देखो, सारा पानी निकल चुका है। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून अरारोट पाउडर डालूंगी। ये मंचूरियन बॉल्स में क्रिस्पीनेस देगा। अब इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। अब इसमें 1 चम्मच लाल चिली पाउडर ऐड करूंगी। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है तो ये डो को अच्छे से बाइंड करके रखेगा और अरारोट पाउडर एक क्रिस्पीनेस देगा। आप इसमें थोड़ा सा ही नमक मिलाएं क्योंकि हम आगे की प्रोसेस में भी नमक यूज़ करेंगे। इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से बाइंड कर लेंगे और एक डो बना लेंगे। देखिए, डो बन चुका है। अब हमें जितनी बड़ी मंचूरियन बॉल्स बनाना है उस साइज के हिसाब से हम डो लेंगे और इन्हें राउंड कर लेंगे और बॉल का शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की बॉल बनाई है। मेरे घर में मीडियम साइज़ की ही पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं। आप आपकी चॉइस से बना सकते हैं। अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप बड़ी भी बना सकते हो। मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सारी बॉल्स बन चुकी है। अब इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम आप तेल का बिल्कुल ध्यान रखें, ये ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉल्स ऊपर ऊपर से जल जाएगी, और मीडियम रहेगा तो ये तेल पी लेगी, इसलिए आप तेल को मीडियम हॉट रहने दें। इसमें बॉल्स अच्छे से अंदर तक पूरी कुक होगी। 2-3 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। टी स्पून की हेल्प से सारी बॉल्स को पलट दिया है। 2-3 मिनट के लिए इन्हें और कुक करेंगे।
लिए ग्रेवी बनाएंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। इसे गरम कर लेंगे, फिर इसमें जीरा डालेंगे। चाइनीज रेसिपी में ड्राई का यूज नहीं किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। मैंने कैप्सिकम ली है, इन्हें भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इन्हें अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें क्रंचीनेस रहने देना है। अब इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड करूंगी। इन्हें भी अच्छे से मैं मिला लूंगी। एक 2 मिनट के लिए मसालों को पका लूंगी। इस स्टेज पे मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करूंगी। 4 टेबल स्पून में सोया सॉस ऐड करूंगी। इन सभी को अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें मैं टमेटो सॉस ऐड करूंगी। मैंने टमेटो सॉस भी 4 टेबल स्पून लिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पका लेंगी। साइज के ग्लास से 2 ग्लास पानी डाला है। मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, उसे पानी में घोल लिया है। अब मैं इसमें ये मैदा डालूंगी, इससे हमारी ग्रेवी में थिकनेस आएगी और ये थोड़ी गाढ़ी रहेगी। इसमें उबाल आ चुका है। अब इसमें हम मंचूरियन बॉल्स ऐड करेंगे। वेज मंचूरियन बनके रेडी है। अब इन्हें हम सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।